अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने जैसे कि आपको अगले दिन भी बताया था कि हमने इसमें से जो है वो एक पोर्शन कबूतरों के लिए भी बनाना है, तो इसके लिए हमने जो है ये फ्रेम एक बनाई है, दरवाज़ा बनाया है। तो इस जगह का दरवाज़ा है, यहाँ से अब ये हम जाली काट के यहाँ से सारी और इस दरवाज़े के ऊपर फिट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर दरमियान में जो है यहाँ पे इस जगह पे अंदर से जो है वो जाली लगा के इसके दो पोर्शन बना देंगे। एक पोर्शन में हमारे छोटे चूज़े रहेंगे और एक पोर्शन में जो है वो हम कबूतर वगैरह रखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम जो है यहाँ पे बाहर भी जो है वो खुडे वगैरह बनाएंगे, छोटे छोटे घर बनाएंगे रैबिट्स वगैरह के लिए और डक्स वगैरह के लिए। तो फ़िलहाल ये जो बना रहे हैं वो कबूतरों के लिए पोर्शन बना रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो इसमें जो है वो चूज़े थोड़े से हैं। जब हमारे चूज़े बड़े हो जाएंगे तो उसके साथ उस साइड वाला जो पोर्शन है हम उनको जो है वो वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलें इसको बनाते हैं और मुकम्मल करते हैं। जी दोस्तों, हमने इसका फ्रेम वगैरह मुकम्मल कर दिया, ठीक है। उसके साथ जाली लगा दिया सारी, ये देखे सारी स्टेपल्स के साथ जो है वो हमने जाली वगैरह लगा दिया। तो अब जो है वो इसको फिट करना बाकी रहता है और इसके अंदर जो है वो पार्टीशन करनी बाकी रहती है। तो अब क्योंकि मगरब का टाइम होने वाला है, अब हमने काम ख़त्म कर दिया। अब इंशाल्लाह कल फिर जो है वो नए सिरे से काम स्टार्ट करेंगे। तो जो काम जब एंड होगा फिर भी आप दोस्तों को दिखाएँगे काम सारा। तो ये देख लीजिए, ये इतना काम हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।